नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैंडविच ऐसा एक खाने का स्नैक्स है कि घर से निकलो, हर गली में, हर फुटपाथ पर या हर कोई होटल में, हर जगह पे ये मिल ही जाता है। सब अपने अपने ढंग से बनाते हैं, लेकिन है तो ये विदेशी, लेकिन हमने इसे पूरी तरह भारतीय बना लिया है। तो मेरे मन में आया कि इसमें और मैं कुछ भारतीयता शामिल करूँ, तो आज मैं बनाई हूँ अचारी सैंडविच। हर घर में अचार मिल ही जाता है, कोई भी अचार हो उसके साथ ये सैंडविच हम बना सकते हैं और खा सकते हैं और इसका मज़ा भी ले सकते हैं। तो चले अचारी सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। अचारी सैंडविच के लिए यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, भुजिया सेव है। सबसे ज़रूरी अचारी सैंडविच है तो अचार का होना बहुत ज़रूरी है। यह घर का अचार है, आप कोई भी अचार ले सकते हैं, बाजार का हो या घर का हो। अचार का मसाला ज़रूरी है, और कोई भी अचार हो, मिर्ची का हो, मिक्स सब्जियों का हो, नींबू का अचार हो, उसमें अचार का मसाला बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर अचार के कुछ पीसेस आ जाए तो वो तो बहुत अच्छा ही होगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। टमाटर कटा हुआ बारीक, धनिया पत्ता है, एक प्याज है, और ये सैंडविच हम घी में बनाएंगे। तो घी है, ज़रूरत के हिसाब से हम लेंगे। अब हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अचार। अचार का प्रमाण आपके स्वाद पर डिपेंड है, जितना आप चटपटा खाना चाहते हैं, जितना तीखा मज़ेदार खाना चाहते हैं, उतना अचार कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं दे रही हूँ 2 चम्मच अचार, मैंने 2 चम्मच अचार दिया है। अचार के अलावा इसमें कोई भी दूसरा मसाला नहीं जाने वाला, नमक भी हम नहीं देने वाले, क्योंकि अचार में नमक होता है, इस कारण हम नमक भी नहीं देने वाले। तो अचार का प्रमाण थोड़ा सही से होना ही चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही दे, बहुत कम ना दे। पहले अचार को आलू में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप अगर थोड़ा तीखा खाना पसंद हो करते हैं तो उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर या तीखी मिर्च या हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं। ऐसे ही मेरे मुंह में अभी पानी आ गया है अचार की महक से। अचार का मसाला मिक्स हो चुका है, अब देंगे प्याज, अब देंगे टमाटर। एक टमाटर दिया है, एक मध्यम आकार का प्याज दिया है मैंने। धनिया पत्ता देंगे, इसमें हमने नमक नहीं दिया और नमक देना भी नहीं है, अचार में काफी सारा नमक होता है। मसाला बनके तैयार है और ब्रेड भी आ गया है। अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया है, अब हम इस ब्रेड पर मसाला लगाएंगे, अचार और आलू का जो हमने मसाला बना के रखा था। और मसाला लगने के बाद ऊपर से और एक ब्रेड रखेंगे और इसे हम टोस्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसे तावे पर टोस्ट करने वाले हैं, सेकने वाले हैं। मसाला लग गया है ब्रेड पर, अब हम इस पर थोड़ी सी भुजिया सेव देंगे। कोई भी सेव दे सकते हैं, कोई भी नमकीन दे सकते हैं, अगर नहीं भी घर में है तो भी चलेगा, बिना सेव के भी ये सैंडविच बहुत ही खाने में मज़ा ही देता है। और ये दूसरा रख दिया हमने, अब हम इसे तावे पे रोस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरा भी सैंडविच बना लेते हैं। तावा गरम हो चुका है, मैंने पहले से ही रख दिया था गरम करने। तावे में अब हम देंगे थोड़ा सा घी, आप चाहे तो बटर, तेल कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही टेस्टी होगा। और ये दिया सैंडविच, इसे अभी अच्छे से सुनहरे रंग तक हमें रोस्ट करके लेना है। धीमी आंच पर ही करेंगे हम, ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हम इसे पलटेंगे, हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसे
रोस्ट करना है ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर पकड़ ले ब्रेड को। और ये हमारा और ये सैंडविच बनके तैयार है। दोनों तरफ से मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और यह गर्मा गर्म टोस्ट सैंडविच, तावे पे सेका हुआ सैंडविच बनके तैयार है। हम इसका मज़ा सॉस के साथ ले सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ ले सकते हैं, या ऐसे ही उठा लिया और खा लिया। बस इसका आनंद ले और ज़रूर ज़रूर बनाए और इसके मज़े ले, एंजॉय करें। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला ये सैंडविच आप ज़रूर ज़रूर बनाएं। अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अनुष्का's किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।